वीडियो जो कि हमारी आज की वीडियो थी हमारी सीरी के ऊपर है, सीरी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं सीरी आपने उसकी रंगत कैसी होनी चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो मज़ीद मैं आपको सीरी दिखाता हूँ आपको मज़ीद कि आपने सीरी किस किस्म की लेनी जा रही कि आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी आज की सीरी की पहचान के ऊपर कि सीरी आपने किस तरीके की लेनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो मूवी थी हमारी वो थी आज की सीरी की कटिंग की, सीरी कटिंग किस तरीके से होती है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीरी की कटिंग किस तरीके से होती है और सीरी किस तरीके से बनती है। तो आपने करना ये है कि आपने सीरी लेनी है जो कि बहुत ही फ्रेश किस्म की यहाँ पे सीरी लेनी है, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी आपने सीरी लेनी है, जो कि ये वाइट रंग की सीरी है, जो कि आप देखेंगे कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपको यहाँ पे सीरी नजर आ रही होगी। तो आपने कभी सीरी लेनी है, आपने वाइट सीरी लेनी है यहाँ पे, जो कि आप देखेंगे किस तरीके से इसकी ये कटिंग होती है यहाँ पर ये सीरी। तो मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। तो यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर जो स्कैम यहाँ पर जो मौजूद है, जो यहाँ पर ये स्कैम यहाँ पे ये सीरी यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं, जो कि कटिंग कर रहे हैं कि सीरी बनती किस किस्म से है और किस किस तरीके से नहीं बनती। तो बात चल रही थी यहाँ पे हमारी सीरी की, तो आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सीरी की कटिंग होती है। कटिंग की है सीरी की और पीसीस वगैरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सीरी किस तरीके से तैयार हो रही है। मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। जो कि ये महारत है कि आम बंदा इसको कटिंग नहीं कर सकता, जो कि मगज अलहदा करना पड़ता है और सीरी की ये कटिंग हो रही है यहाँ पे। सीरी की कटिंग हो रही है, सीरी कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। सीरी आपने हमेशा वाइट लेनी है, आपने सीरी जो कि वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही टेस्टी किस्म की सीरी बनती है। तो आपने ब्लैक सीरी नहीं लेनी, डॉट वाली सीरी आपने नहीं लेनी, आपने जल्दी सीरी लेनी है, आपने फ्रेश सीरी लेनी है आपने। तो मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। आज की हमारी वीडियो में हमारी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरीके की यहाँ पे ये कटिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महारत है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैं हूं फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। आज की जो हमारी वीडियो तो है हमारी वो है हमारी आज की सीरी के ऊपर, सीरी की कटिंग की कि सीरी कैसे कटिंग होती है और सीरी हमें कैसी लेनी चाहिए, कैसी नहीं लेनी चाहिए,
यानी कि सीरी की पहचान भी मैंने आपको बताई कि वाइट रंग की आपने सीरी लेनी है, आपने सीरी ब्लैक रंग की नहीं लेनी, आपने येलो रंग यानी कि आपने पिंक रंग की आपने लेनी है। जैसे कि देखें भाई ने यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे ये सीरी पकड़ी हुई है, जो कि देखेंगे आप बिल्कुल ही पिंक रंग की है सीरी। बात जो काली सीरी ले लेते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसका इतना जायका नहीं होता, पिंक रंग की सीरी लेंगे कि उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट होता है और ज़्यादा जायका होता है उसका सीरी के अंदर। जो कि देखें हमारे भाई ने सीरी तैयार की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका मगज़ है, ये सीरी का जो कि ये अब ये इसका ये मगज़ यहाँ पे ये निकालेंगे, इसका ये मगज़। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है, मैं हूँ फंशा और आप देखते हैं सुपर चैनल फंशा के साथ। तो उम्मीद करूँगा कि आज की मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वाइट से ये आपने वाइट लेनी है, पिंक लेनी है, आपने बिल्कुल काले रंग की सीरी नहीं आपने लेनी, जो कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रेश किस्म की यहाँ पे ये सीरी है, जो कि आज की हमारी आज की पहचान की कि सीरी किस किस्म की आपने लेनी है। आपने पिंक लेनी है, आपने जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि पिंक आपने किस तरीके की आपने यहाँ पर जो सीरी लेनी है आपने। तो मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ। जो आज की हमारी जो वीडियो है वो थी हमारी आज की सीरी की पहचान के ऊपर, सीरी की कटिंग के ऊपर कि आपने कैसी सीरी लेनी है और कैसी नहीं लेनी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं आए, मैं जितना भी चाहता हूँ मैं उनको वेलकम करता हूँ। दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं। वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट के अंदर बताइएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो जिन लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे हमजा भाई के पास यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे हमजा भाई की दुकान है और यहाँ पे ये अंदरून शहर जहाँ मैं विजिट करा हूँ, जो कि अंदरून शहर यहाँ पे ये भाटी दरवाजे के अंदर आप इन आएंगे तो भाटी सीढ़ियाँ आ जाएंगी। तो भाटी सीढ़ियों के सामने हमारे ये हमजा भाई की शॉप है जहाँ पे इन्होंने अपने यहाँ पे आपको कलेजी वगैरह मिलेगी, यहाँ पे आपको उजड़ी वगैरह भी मिलेगी, यहाँ पे आपको पाए वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी और बहुत ही आपको रियायत मिलेगी और बहुत ही आपको साफ़ सुथरी मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से फ्रेश मिलेगी। तो आपने यहाँ पे हमजा भाई की दुकान पूछ लेना है आगे यहाँ पे कि हमजा भाई की दुकान कहाँ पे है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने भाटी में आना है, भाटी में आपने ऊँची सीढ़ियाँ पूछनी है तो उसके सामने यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमजा भाई की यहाँ पे ये शॉप यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि देखें कि हमारे यहाँ पे इसका हमजा भाई मौजूद है, तो थोड़ी दिन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई जान। हमजा भाई जान कैसे हैं? शुक्र। तो मुझे ये बताएंगे सीरी कितने की दे रहे हैं? सीरी कितने की है? 500 की सीरी दे रहे हैं आप? अच्छा। तो हमें बताएंगे कि आखिर सीरी की पहचान क्या होती है। मैंने तो अपने नाज़रीन को बताया थोड़ा सा, तो थोड़ी सी बताएंगे सीरी किस किस्म की होनी चाहिए तो सीरी जल्दी गलती है। ये देखिए इसको दांतों से पता चल जाता है। दांतों से? अच्छा जी। अच्छा, इसके छोटे जी जी वो सख्त हो जाते, वो यानी कहने मतलब के वो देर से गलती है। अच्छा, उसको टाइम लगता है उसको। अच्छा, तो ये मजीद कितना टाइम लेगी? प्रेशर के अंदर हम इसको पकाएं तो कितनी देर लेगी कि खुले बर्तन में बनानी चाहिए? कम से कम 20 मिनट ले लें, यानी कि 20 मिनट के अंदर प्रेशर के अंदर। अच्छा, तो टेस्ट किसमें आता है ज़्यादा, खुली में बनाएंगे कि अगर पतीली में बनाए तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है? तांबे के बर्तन के अंदर। जैसे कि पुराने दूर दराज के लोग जो होते थे यहाँ से, जो काफ़ी ओल्ड औरतें होती थी जो कि बनाया करती थी तांबे के अंदर, हमारे ज़्यादा टेस्ट आता था। तो यही वजह है जो आज हमने उस तांबे को छोड़ दिया है और सिल्वर के पीछे चल पड़े हैं कि प्रेशर भी सिल्वर का ले लिया, हमने चीज़ें भी सिल्वर की ले ली हैं। हमजा भाई ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त के अंदर से आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया, तो थैंक यू सो मच। तो देखें जी, हमजा भाई ने हमें बहुत सी प्यारी प्यारी सी बातें बताई हैं यहाँ पर, जो कि इन्होंने हमें यहाँ पर बताया कि जो कि आपने जो सीरी लेनी है, आपने छोटे दांतों की लेनी है, बड़े दांतों की नहीं लेनी है, बड़े दांतों की सीरी जल्दी जल्दी नहीं, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। तो आपने जब भी सीरी लेनी है आपने छोटे दांतों की लेनी है। तो आज की जो हमारी जो वीडियो थी, जो हमारी आज की जो हमारी जो वीडियो है आज की, वो थी हमारी आज की बकरी की सीरी की पहचान की कि बकरी की सीरी हमने कैसी लेनी है, कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। तो सारी मैंने जो लोगों ने मुझसे सवाल आद किए, मैंने उन लोगों से आपकी बातों का मैंने जवाब बात दिए। मैंने आपके की सीरी किस किस्म की होनी चाहिए, अगर आपने मुझसे कुछ और भी पूछना हो, कोई और भी आपने कोई मुझसे कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। आप मैं हूँ फहिमशाह और आप देख रहे हैं सुपर चैनल फहिमशाह के साथ।
तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।